गुड मॉर्निंग, असी अज जा रहे हाँ एंजल फार्म देखण, जो कि जनोड़ी तो 5 किलोमीटर है। तो दस सड़क जो कि दसूहा हुशियारपुर हाईवे है, उत्थों भी तकरीबन 5 किलोमीटर ही है। चलो चलते हाँ देखण एंजल फार्म। थोड़ा रास्ता हजे बन रहा है, लो जी असी पुज गए हाँ एंजल फार्म। सैटरडे संडे और छुट्टी वाले दिन तुसी ना जाओ तो वधिया, बहुत ज़्यादा रश होंदा है इत्थे। असी ऑफ डेज आए हैं, सब तो पहला एंट्री है, थोड़ी टिकट लेनी पवेगी 50 रुपीज़ की एंट्री फीस। टिकट कॉर्नर है, थोड़े राइट साइड हट्स बनिया हुई ने जिथे तुसी नाइट स्टे वास्ते रूम बुक कर सकते हो। बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है, चकला दिया पिंड है जी, वेल का मॉडल बनाया पिया खूह का। इत्थे थानू वॉल आर्ट्स हर जगह देखने को मिलेंगे। और दूसरी सब तो वधिया जो इत्थे गल लगी सानू वो सी ग्रीनरी, तुसी जिस पासे भी देखोगे हर पासे ग्रीन ही ग्रीन नज़र आएगा। रेस्टोरेंट भी है इत्थे। चलो थानू रेस्टोरेंट दिखाने हैं, गैलेक्सी रेस्टोरेंट। जिन्होंने हवेली देखी है जो वंडरलैंड देखा तो उन्होंने लगेगा कि सेम मिलता जुलता मॉडल ही है, पर मैनू यह ज़्यादा वधिया लगा क्योंकि इतने ग्रीन 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 हर पासे ग्रीन ही ग्रीन है। रेस्टोरेंट है और फुली एसी है, गैलेक्सी रेस्टोरेंट एंड बियर बार। आओ चलते हैं। पंजाबी कल्चर जो साढ़े पंजाब का है वह दर्शाया गया है इत्थे। हजे अपडेट कर रहे ने, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, पर तुसी अपनी फैमिली नाल देख सकते हो। ये ऊपर तो व्यू है, रिसेप्शन ऑफ रेस्टोरेंट। कई लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा रेस्टोरेंट, पर 60% बंदे बैठन की जगह ये तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर तुम बाहर 20 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक लेने हैं तो अंदर 25 रुपीज़ ही है, बट वधिया बहुत ही वधिया ढंग ने जो है बनाया गया, नीट एंड क्लीन। अगर तुम सेपरेट बैठना चाहते हो असी हुण देखांगे एंजल गार्डन। बच्चों लिए इत्थे काफ़ी झूले ने, थोड़े 3 या 4 घंटे आराम नाल इत्थे तुसी स्पेंड कर सकते हो विद फैमिली। छोटे बड़े कई झूले लगे ने इत्थे, बच्चे पूरा इंजॉय करते ने इत्थे आके। और 50 रुपीज़ एंट्री फीस दे विच ये सब फ्री ने हजे तक तां, बट अगर तुसी स्विमिंग करनी चाहते हैं उहदे 100 रुपीज़ चार्जेस ने। ये होर झूले दिखाए ने थानू, तुसी देखो हर साइड ग्रीन, पेड़ ही पेड़ लगे ने।
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ US ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਵਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਂਜਲ ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਂਜਲ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਰ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੱਲ। ₹100 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੰਜੋਏ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈਗੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।